शुक्रिया शेरी नाम की तमाम जनता और हमारे जो प्रदेश के तमाम लोग हैं, आप लोग को भी मेरा प्यार पहुंचे। भाइयों बहनों, पांच अमतनारन को गिरफ्तार किया गया है। Five major workers van het ministerie van regionale ontwikkeling er ook in पांच लोग को गिरफ्तारी की गई है। पता चला है कि ये पांच लोग जो सेंट्रल मार्केट यहाँ पर ये लोग काम करते हैं, यहाँ पर क्वितांसी वगैरह लिखा जाते हैं जब लोग पैसा भरते हैं, ये सब वहां पर बेईमानी की है क्वितांसी से, और ये क्वितांसी फाल्स फाल्स चीज बना करके हजारन हजारन रुपया ये लोग ने चोरी की है सेंट्रल बैंक में। तो वहां पर ये अंधसुख हुआ तो पांच लोग जाकर के अब गिरफ्तार हुआ है। कार्बन कागज रख रख करके और फाल्स वगैरह यानी सब बना करके क्वितांसी, और जहां पर 500 ये लोग ने पैसा तसीले हैं वहां 50 बनाया है बाद में, ऐसे कहीं 5 बनाए हैं कहीं 50, और ठगते गया हजारन हजारन एसआरडी के चोरी हुआ है बाजार में। मिनिस्ट्री फॉर रीजनल ऑन्ट्रेकलिंग के कम करता है ये सब गिरफ्तार हो चुका है। एक मोटरगाड़ी प्यारे लोग, ये मोटरगाड़ी अमेजोन स्ट्राट, ये अमेजोन स्ट्राट से रिंग वैक की तरफ इनको जाना चाहिए था, लेकिन अचानक इसमें आग लगा, मुंह पर मुझसे आग निकला। ये एक औरत से चलाती थी, घबरा गई है, बस ये जंगल में घुस गए लेकर के गाड़ी और वहां से कूद करके ऊपर आई, लेकिन गाड़ी जल करके राख हो गई है। बहुत दुख की ये बात है। एट फोर टैक्स का ही फॉर बुस्ट दूर द ब्रांच, प्यारे लोग अब ये बात आगे ऑन द सुख होगा। भाइयों और बहनों, कुशवेन ब्रोह की, कुशवेन ब्रोह की बात हम करने जा रहा हूं। 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये जो फरकेर 4 टन का गाड़ी चलाएंगे उन्हें वहां से उससे ज्यादा नहीं मौका मिलेगा वहां पर चला करके पास होने के लिए। फरकेर बूफ एंड फीर टॉन कुशवेन ब्रोह वहां मरम्मत की जाएगी, हेस्टल वर्कसम ही लोग कहते हैं। 10 अक्टूबर तक सिर्फ चार टन गाड़ी वहां पर मौका रहेगा पास होने के लिए, 4 टन से ज्यादा नहीं। प्यारे लोग, फिर यहां पर तो चोरी चपाटी होता ही रहता है। 5 रूफर्स 500 अमेरिकन डॉलर 5,500 एसआरडी पारामारिबो में एक आदमी का लूट लिया है। हमारे सूरीनाम की जनता, अब ये पता चला है कि यानी 2 आदमी घर में घुस करके और घर के ये सामान सब पहले चोरी की है, लूट करके लोग चला गया, और एक हमेशा एक मोटर गाड़ी इन लोगों को इंतजार करते रहते हैं डाकुओं को, जब ये पैसा चोरी कर लेता है उसी में कूद के बैठते हैं और गाड़ी वहां से भाग निकलता है। तो ये होता है। अब बताइए भैया कि कितना चोर है देश में, जब देखो तो लूट करके चला जाता है। हम आपको बताना चाहूंगा प्यारे प्यारे लोग कि स्टोकस एफर पर क्या मामला हुआ। स्टोकस एफर पर एक औरत और एक टैक्सी शोफेर ये लोग गाड़ी लेकर के पहुंच गया स्टोकस एफर पर, बस्तीजर बी एंड फ्रॉ, इन दोनों को सिपाही वहां पर रोके हैं क्योंकि इन लोगों के पास 2 टसन 10 किलोग्राम कोकाइन और कुछ पैसा इन लोगों के पास है। सिपाही देख लिया, 2 टस भैया, 2 टस में 10 किलोग्राम कोक और एक बोझा पैसा, तो पूछे दोनों से कि ये किसका है। औरत ने कहा कि जो मालिक है तो वो अल्बिना की तरफ नहीं लेकिन मुंगो की तरफ है, तो उनसे बातचीत करना चाहा है सिपाही। तो ये लोग तार किया, वो आदमी पहुंच गया। द मैन इन क्वेस्टी हैव टू फॉलो ही पान एंड फ्रस्ट्रेटेड ओवर दैट वर्क लग ऑफ द कंट्रोलर पर्स, जब औरत ने कहती है कि इस आदमी का है, इस आदमी का नाम है और वो वहां पर है, तो उन्हें तार किया, वो आ गया। तबले सिपाही के पास ये दोनों गिरफ्तार में है।
ये कंट्रोल पोस्ट पर पहुंच गया एखनार, ये कोकाइन का एखनार कहिए। लेकिन उसे पहले शफेर का रेप रेस औरत के समान सब सिपाही स्टॉकस एफ सिपाही सब मसलाक में ले लिया था। अब ये आदमी पहुंचा एखनार, अब एखनार गया सिपाही के पास, सिपाही एखनार से कुछ बातचीत होने लगा गुप्ती रूप में। गुप्ती रूप में उन दोनों में शायद बातचीत हुआ होगा कि सुन देख हमारे पास 10 किलोग्राम पास तू ले ले, बोझा भर पैसा है इसमें आधा तू ले ले, बात खत्म कर दे। कहे कि ये औरत अमर को बंद करेंगे, ये करेंगे, मुकदमा चलेंगे, ये सब बात होने लगा। हियर ना क्रीच द फर्स्ट ट्रैकर जो एखनार मालिक, उन्हें 5 किलोग्राम के कोकाइन वापस दे दिया गया और 3,000 यूरो भी, मतलब कि 3,000 सिपाही ले लिया और 5 किलोग्राम कोकाइन। समझ गए का की समझ ले का भाई है। लेन देन हुआ है, बिजनेस बिजनेस एक कहता है। सिपाही ये समस्या वहां पर खत्म कर दिया, केस क्लोज बकड़ा अमेरिकन बोर्ड है। केस क्लोज है। द कोकाइन एंड इट हेल्प क्रीज द पुलिची ऑन द जाक द लैटिन फॉर व्हाट इट वाज। द फर्स्ट ट्रैकर मोक द पोस्ट फॉर लैटिन मेट द आंद्रे टास वन इफ वार इन 5 किलो कोकाइन वाज आगेहोल्ड वर्डाक्टन बी एंड द फ्रो वार वनाफ दैट मोमेंट फ्री इन लिबरेशन। सब लोग का छोड़ दिया गया, सब लोग का सामान लौटा दिया गया, सब वहां से हट करके और चला गया। लेकिन भैया ना दैट हैट खफाल, ये सब बात जब खत्म हो गया तो बस्तीर्डर टैक्सी शोफेर का बस्तीर्डर बोले हमार तो बेइज्जती भाई भैया, तो ये बात ऐसे ना छोड़ब। बे पहुंचा आखिर तक करने के लिए निवहाफन पुलिसी के पास, वहां पर गई से सब बात कहा, कैसे कैसे बात भैल, हमें कुछ पता ही नहीं था कि जो औरत बैठी गाड़ी में उनके पास 10 किलोग्राम कोकाइन है, और बाद में जो आदमी आया वो हिसाब किताब करके और फिर हमें झूठे गिरफ्तार करके घंटन तक मुझे बंद किया था। टैक्सी शोफेर ने नालिश की, अब ये समस्या आगे ऑन द सुख होगा, अब ये बात आगे ऑन द सुख होगा कि सिपाही लोग जो वहां स्टॉकस एफर पर है लेन देन कब से ये कर रहा है, ये तमाशा प्यारे लोग। अरे बप्पा तो हम का बताई मौसा, तो जाने इंसान जब धनी भइल है तो कैसे धनी भइल है। ये धीरे धीरे ये समस्या सब जनता के सामने आ रहा है। ए काका का हम तो के बताई भैया, 33 साल का बेनी तो 14 साल के नेक्स्ट को बलात्कार करना चाहा। कांटोन रेक्टर सिकलीन वेन हार्ट बोले है बेनी तो के शर्म न लगे है कि 14 साल के नेक्स्ट को तू बलात्कार करना चाहा। ये नेक्स्ट तो तुम्हारे औरत के नेक्स्ट। अब ये बेनी तो कूदे लगा साल में कूदे लगा, बोले कि रेक्टर मी नो डू बुमसानी। सुनिए का बोले काकी, तुम ऐसे सुनिए बतिया। मी नो डू बुमसानी मा मी नो पुरू आ मैश ब्रुकू मी लोबी मी फ्रॉ सही फर दाखते। लेकिन रेक्टर बोले लेकिन 14 साल के बच्ची वो चिल्लाने लगी जब तू उसकी शराब कामर में गए ले और जबरदस्ती तू बलात्कार करना चाहा। बोले नो रेक्टर मी नो पूरू अब वही सब रुकू, ऐसे ऐसे कूदने लगा साल में काका। अरे 8 अक्टूबर को ये मुकदमा आगे बढ़ेगा, 8 अक्टूबर को फिर पूछताछ होगा और गवाह को बुलाया जाएगी, लड़कियों को बुलाया जाएगी, सबको कि सचमुच बेनी तो मीनो पूरु आमेश बुड़ को ये बात तब पता चलेगा। हे मौसी
एक आदमी ओका नाम क्लिफ बी, क्लिफ बी इस खान को होजन बुध के रात्रि को ये कुछ लोग को वो गाड़ी तो सब बताइला लास्ट नौकुआ बुकुआ में जो गाड़ी आई से ऊ वाला फॉर फिश एंड फ्राइड राइस को स्लोगन और उसके बाद में भी धमकी दी कि हम तुम को काट काट करके फेंक देवे वगैरह वगैरह। बस ये आदमी जाकर के नालिश की, भैया नालिश की तो अब ये आदमी अब गिरफ्तार हुआ। जो सिपाही की इसको गिरफ्तार किया तो ये आदमी कहते हम पगला हाउस के आदमी हैं, पीसी एस पशंतन, समझे ना भैया। बोला पीसी एस पशंतन है भी, तो अब ये पीसी एस पशंतन तो अब सोचे कि उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उनको नहीं छोड़ी से भैया, और इसीलिए पीसी एस पशंत के नाम पर इन्हें गिरफ्तार किया, इन्हें जेल में डाल दिया गया। एक तमाशा सुनिए भैया, एक टैक्सी शोफेर एक 18 साल के नचनिया के साथ मौज करने के लिए होटल में गई है। ये बड़े बड़े आदमी के लिए खबर है, ये छोटे लड़का लड़कियां को अपना काम कान चाही बंद करके रखेंगे। लड़कियों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपना कान बंद करके बैठो। एक टैक्सी शोफेर एक बच्ची के साथ 18 साल के बच्ची के लेकर के और मौज मस्ती करने के लिए होटल में गया। कैसे गया हमसे ये बात बता दी ला भी। ये टैक्सी शोफेर टैक्सी चलाता है, डॉक्टर सोफी रेडमोस्ट्रा पे ये लड़की वहां पर बस चल रही थी गाड़ी को, वहां पहुंच गया टैक्सी शोफेर। ये गाड़ी में बैठल है तो गाड़ी में प्यार मोहब्बत की बात करने लगी। टैक्सी शोफेर पूछे कहां उतरियो तो खाली प्यार मोहब्बत के बात करने लगी। फ्लाइंट मैट अलकार ये दोनों तो फैसला कर लिया तो चलो भैया होटल में चलो पेंशन में चलो। ये दोनों जब मौज ओज करके ने कहा कि अरे हमसे ना पूछ मौज के बाद कैसे बाकी अखबार ने लिखा तुम बोल दिला ना। ये दोनों हो जब चकल्लस करने के बाद अलग अलग हो गए तो अलौंदा क्या देखे टैक्सी शोफेर ओकर गटई के मंगहा केची जिसका कीमत 3000 डाला के। वो भैया मौज मस्ती में वो नचनिया खोल लिया लेकिन उन्हें पता नहीं चला। जब देखी इसकी गटई में केची नहीं तो पूछे घरे जाब तो मेहररुआ के कौन सवाल कौन बकबात करब कि केतिया कहां गए। बस गल नालिश किया बाय तो नालिश की तो ये बच्ची को एड्रेस भी इन्हें मालूम हुआ, बच्ची को भी गिरफ्तार करके लाई गई बिरू पर। द पुलिस ही पर्टेन और खुरूपन एट बेग द फरहोट फन वीख खब्रेक आन बवेश हेव द पुलिस एन अफ्द्रा फन उपबा मिनिस्टेरी द 18 यारख दाम का एल हेन खुसोनर। जब तू गए मौज करे तुझे पता नहीं कि गटई के केती कहां गए कैसे गए। चकल्लस हमारे देश ने कहा कि यही तो मौज है, यही मौज मौज में इंसान लोग भूल जाते हैं कि उनकी जेब में पटमोनी है, उन्हें गटई में केती है, मेहरारू के ट्रोरिंग है वगैरह वगैरह, और ये बच्ची लोग नचनिया लोग पतुरिया लोग ये सब खोल के चला जाते हैं। रॉबी गजराज सुरीनाम से वर्स्टल फीजराची रॉब बताइए क्या माजरा है। और पहले स्वागत है स्टूडियो में रॉबी गजराज। दंकुवेल खुद इधरीन भैया से भी सुरीनाम से वर्स्टल फीजराची हम लोग फोर यार गए थे बारबेडस लेके ग्रुप और हम लोग कैंपियन भैली है। हम लोग बिंदाई वेदाई सब जीत जात के लेके अली सर नाम में और सर नाम के हम लोग चैंपियन बटी। प्लानिंग है कराइबिस के बीच चैंपियन होवे के और प्लानिंग है कारिकॉम के कैंपियन होवे के सुनाम हम लोग मंगला कैंपियन होवे। ओके बारबेडस हम लोग एक दिन अनुरोध करी से कि तुम लोग आओ वहां तुम जीत गए रख लो, अब हम लोग के कुश्तीबाज लोग और ट्रेन कर रहे हैं तो आओ तो अब फिर मिला हो जाए। ओके मार्च युवा होगा बीच वर्ष ल और जब लंदन के सिलेक्टेड करे चाहेगा कि के जाए तो हम लोग प्लान कर लिए
14 अक्टूबर के 4 बजे संध्या के शुरू कर हुई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्वाटा पर। तो जे जीतीगा जन जो जाने कैंपियन हुई ओको ग्रुप में यहाँ पर ग्रुप है पान सीफन तक किलो जन खबेख थे ताकतो किलो खबेख वाला पिन नीखन तक किलो एंड नीखन तक नारबू फसो किलो वाला। तो उमर से जे कैंपियन हुई तो तुम हम लोग मांगला ले जाए बना बेदस मार अबे अगवेस बोल दी अबे टिकट के पैसा ना जमा भेले तो हम लोग स्पॉन्सरिंग खोजिला जितना स्पॉन्सरिंग मिली उतना अथली तो मिल जाए ओमन भी है एक दामस वेस रहे मन दुई को दामस हो वास कहने भी ले जाए कोई मार थांग फंड व्हाट फंड ऑफ स्पॉन्सरिंग करे है कितना पैसा भीतर आए भी को जी मंगला बोले एक कुश्ती जन होएगा जब द्रीपन बना लो तो कुश्ती खत्म दो से फिर सुख इधर इन ऑन फोर फील दर अनवेशक से सेन कौन लोग है कौन सोमवार 14 अक्टूबर एक हफ्ता तो आ रखे कहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्वाटा अच्छा कहे बोल रहा अब तो इत आवे के वन जब दो ये भीड़ एक एको तरह वो है गा स्नेल है फुल थे तो दो तीन पर बना लीस तो कुछ सी रोड वन इस इंटरनेशनल इकल फलांदर भेले वन ढेर मने जब गिर जाए शांति में और चोटा उठाई जाए फीफा फलांदर के सी इकल वन कि द्वीपन जब बना ले जानो जवार है वो जीत गया दस बड़ा स्नेल हुई कुश्तियन दस ओ ये इले बता भैया तू खांग इस फ्रेई आओ कुश्ती देखो थोड़ा मच क्या बोले कमर फा खनीता और लास्ट पर क्या बोले है वर्सल डेमोस्ट्रासी डॉ तमीजा रुकिमेन जरा रिकार्डो लावे मैं शाम घेरा उसका नाम है टाइगा सब डेमोस्ट्रासी नहीं है ओके अच्छा तो फिर एक दिन बता दो कि अब से तो आ रही ना केक वाला सोंदा 14 अक्टूबर फॉर सोंदा ऑन फील स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स क्वाटा अच्छा ये कुश्ती है ग्रेटेस्ट कुश्ती है ग्रेटेस्ट हम लोग के फोर्स सेटर भैया रविन छंगुर इसे बेसक है मैं अंदर बस न्यूज ले सुहास ऋषि राम खिलावन जगत धर्म सिंह उसे बेसक है स्पॉन्सरिंग खोजे के ओके पैसा मिल जाए तो टिकट किनाए जाए कभी अच्छा। टिकट सिर्फ और फेक डॉलर में मिले ओके दूसरा बात आज तो जैसे हांकर से बात कर रहे हैं और वो बकरा अपराध के बारे में कुछ बातचीत कर ले हाँ तो ओकरे बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप जी हम लोग जैसे हंकर्स ले गए नाम से अरे क्या बोले स्टेट हिंदुस्तान से मिखरा स्टेट हिंदुस्तान से मिखरा सिख तरफ से हम लोग जहाँ से वो पाथफेंडर्स के बकरा अपराध से पाथफोनिका में हम लोग ऑडरी हंकर्स लगभग हम लोग 15 बरिस से ऑन द हो कर ला ओके बस पैद कर ला माई कर ला जहाँ रास्ता टूट गया शांति छोड़ ला कैलर से स्टाइल भेल है जहाँ जहाँ के अरे ब्रासिलियन बेयर है कैलर और भेल हम लोग सब सवा करके खर्चता मत ऐसी यार अंदर हो दो अब वेट फॉर अंदर भेल है कि जब 20 बरिस एक कब्रस्तान जब कब्रस्तान बरिस बरिस पुरान हो गए नमा किताब अंतर है मैं मुदी बेदर ना लोग अब खराब मैं पुलिस एमपी के बकाल से पहले एक कर्ज के फिर से जरा दो हम लोग मंगला एक केक ले जा एक के खराब क्रिमासी और ओके जो बच्ची का तुम जर जाए मैं जैसी बात क्लास क्लास में फ्रे तो वहाँ पिन ले गराइस के ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एक नेलम एक या बी दैट इज अब से ही फॉर नोमा एंड उस सब एक्टिवेट मांग और प्रोजेक्ट करे ब्रास वेर मोय नोख मोय मार्क फलेक्टे मोय लगाई पानी चिराग लगाई है वो घर बनी है यहाँ लाइक रह सके है तो उस सब चीजों में तो हम लोग गए ली बतिया ली जहाँ कमिश्नर शंकर से ऐसे सिलवाल इस अच्छा और आपके बस्तूर के रंग से है भी अन बस्तूरदार तुखफुख्त और प्यार जा आपका हैंडल हम लोग एक बस्तूर से ले हुआ जिस बोले लिखो बस्तूर से तो ले ले वन दिक्कत एक बस्तूर तो सोलंग आलदरेन भैया धर्म सिंह जगत सिंह एस बराइट ओम दुस्तन मेरे बारे में फली अच्छा तो ये जो कब्रस्तान की जो बात है जो कब्रस्तान की जो बात है तो वहाँ पर अब फिर से मट्टी लोग जा कर के अगर कोई के मट्टी देना चाहे तो वहाँ पर अब फिर से शुरू होगा ये है हूँ पहमित पाथफेंदर से अच्छा तो बड़ा खुशी की बात है कि ये बात हो रहा है और भाई बहनों आप जानते हैं इधर स्टेट के हिंदुस्तान से मिखराची और जो क्रेमासी और के बशीर जो है तो ये दोनों बहुत जल्द फरहादर करेंगे क्योंकि कुछ अहम अहम बसुरहित यानी हम लोग फैसला लेंगे
خاص کر کے دوم ملک میں بھی کچھ بچار کیا جاتے ہیں کرنے کے لیے, وہاں پر بھی ہوگا اور ہی نیوم سے دام. تو بہت خوشی ہے رب کی آپ یہ فرقلارن دیا ہے اور ہم لوگ آگے بڑھیں گے, آگے کام کریں گے. اور بولنے بھیا سوندا 13 اکتوبر 4 بجے سنجھا کے دن میں نقطید کو ماں نہیں چار پانچ کرسی ہو جائے تو دیکھنا بھیا. اچھا ایک دم کیول. اچھا شکریہ رب, اپن نیوز بتاؤ جو. اچھا پھر ملاقات ہوگا. اچھا پیارے پیارے لوگ, جنتا دیکھیے, آپ لوگ کو سنیسا دینا تو ہمارا کام ہے. آج کے اخبار میں جب ایک بات لکھل ہے تو ایک تنیم ٹھیک سے آپ کو سمجھا دی. یہ 25 ستمبر کے بات ہے. 25 ستمبر رات کو قریب 11 بجے اس سمے لیڈی دورپ میں, جہاں پولیسی بیرو ہے کاکا لیڈی دورپ, اس سمے 11 بجے رات کو الیکٹریسٹی چراغ نہیں تھا. اب دس دا فیف 20 ستمبر کے بعد ہے تو چراغ بیرو میں بھی نہیں تھا, جہاں پولیسی بیرو لیڈی دورپ کا پولیسی بیرو, اس میں بھی چراغ نہیں تھا. بجلی کے بات ہے تو سب سپاہی یعنی کنٹور کے آگے کھڑے ہو کر کے بجلی کا انتظار کر رہا ہے. تو اب یہ 11 بجے کے بعد ہے, اچانک ایک بش وہاں سے گزرتا ہے, بش پاس ہوتا ہے اور اس میں سے گولی کی آواز نکلتا ہے. دا پولیس اسٹونڈ فور ہیڈ بیرو ٹون سے کنال ہوردن کنال گولی بندوق کے باؤ. ارے دادا ارے دادا, اور وہ گاڑی وہاں سے چلا گیا. آج ہی آ رہا نا, تھوڑا دیر میں وہ گاڑی کچھ دور تک گیا, پھر سے لوٹ رہا ہے, کوئی کام سے گیا ہوگا, کچھ اب واپس آ رہا ہے. پیارے لوگ, اب یہ گاڑی واپس آ رہا ہے. جب یہ گاڑی گئی ہے, بس ایک دگا بم, سپاہی بولے باپ رے. وہ کہے بعد میں, اب رات کے بات ہے بھیا, 11 بجے کے بات ہے. اب دیٹ مومنٹ واسط خبیت فار اسٹوک فان الیکٹریسٹی, دا پولیس اسٹون فور ہیڈ بیرو تم سے ان کنال ہور دے. اوکرے بعد میں یہ گاڑی چلا گیا, گاڑی پھر سے لوٹ رہا ہے. دا فور تاریخ کم ٹریخ اینڈ دیٹ نوکن شو چلو اخر تک کوئی یہاں دو کوئی پتا نہیں, تجھے ہم بچائی لا, سپاہی یہاں وہ حد دکھ ہوئے لگا. وہ تماشا, وہ گاڑی چلا گیا, اتنا دھیار ہے اور یہ لوگ اس کا پیچھا نہیں کیا. سب یہ بھائی نا, تو گاڑی, اب وہ گاڑی کے بات ہوا ایک بش کے, اب لوگ اس کو تلاش کرنے لگا کہ وہ کون کے گاڑی تھا جہاں جس گاڑی میں سے گولی چلا. یہ لوگ سب پہنچا مالنگ ویک میں اور وہاں پر یہ گاڑی کو پہچان لیا بش کو. بس وہاں پر شوفیر جو پوچھے کہ کل رات کو چلائی سے بولیے ملانگ ویک کے, یہ گاڑی وہ دیکھ لیا, سپاہی ان کو ترنت گرفتار کر لیا. جب بشکیر در ویٹ کو ہو گیا, گھبرا گیا کہ ہم کون دگل کر لی. بولے آپ پستول کہاں. بولے کون پستول. بولے یہ رات کے تو دگلے وہاں. بولے ہم داگی نا. بولے ہاں تو دگلے یہی. بولے ہم تو گئے نہیں ہماری لی, باقی ہم نہ گولی نہ چلا. بولے ہاں تو گولی چلے رہے. وہ کر ہاتھ میں ہتھ کری لگا دیے. ارے میا ارے میا, ہم کوئی کے موت. سپاہی ہاتھ تو گولی چلے دے. گولی چلا. سپاہی بولے ہم بس ڈال بیس بس لاکھ میں دے دیں گے. پیارے لوگ, سپاہی یہ بس لے کے آئے ہیں سٹارٹ کر کے, جب گاڑی چلا رہے تو گاڑی کے بمپر جو ہے بمپر جو ہے اوما میں سے, بھیا اوما سے آواز نکلتا تھا.
सिपाही चिल्ला करके आवत है बिरो बसला मिल ही से एंड बिशवत खरीदन एंड इट ब्लेक दैट बे एन बपाद स्नेलहेट het busje althans de uitlaatpijp een knal maakte. Tab sipahi, samadhi, ee chauffeur maaf kar diye, ab hum log ke samadh mein aage iska baat bhai raha. Yehi kanal, yehi awaaz hum log suni, aur lage ki jaise kai banduk mein se goli chalta. Bas ye tamasha bhail, lead jarab ke police soche bhai, कि इन लोगों पर गोली चलाया रात्रि के समय जब वहां चिराग नहीं था. लेकिन एक आदमी भैया कुछ की खरीदने के लिए तनी दूर में गया और वही हथियार से लौट रहा और वही मुझसे आवाज भी करता है भैया एट लॉट टाइप से. और सिपाही सोचे ये गोली तो बेचारा के छोड़ दिया गया. लेकिन ये तो अब कहानी हो गया है श्री राम के लिए कि देखो कैसे एक इंसान के ऊपर कैसे सिपाही यानी कैसे इल्जाम लगा सकता है. ए मौसी अब हम तो है का बताई भैया, अब जो हम का बताई. देखो जब हम अखबार के संदेशा पढ़ी ला ना तो ऐसा ऐसे लगे है कि जैसे देशवा में कोई कानून तो है ही नहीं. जैसे है जब देखो तो फरदाख्तन बरूफिंग आंख हो दे आंख हो दे आंख हो दे. अब सुनिए कि दो संघतिया एक का नाम हेनरिच अलियास हेन एक का नाम पोकी ये दोनों अक्टूबर के 2 तारीख जुआ खेल रहा था रामबुतांग स्ट्रात में. जुआ जुआ खेलते 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 इन दोनों में कुछ बात बिगड़ गया और एक आदमी इन्हें छोड़ करके हेन वहां से चला गया. जब देखे कि झगड़ा होगा तो अपने मकान में चला गया अपने घर. पोकी पीछा किया घर पर ईटा फेंकने लगा. जब ईटा फेंकने लगा तो हेन घर में से एक छुरा लेकर के बाहर आता है. अब फिर दोनों में पप्पा झगड़ा होने लगा और पोकी यानी जैसे आप जानते हेन पोकी को छुरा भोंक दिया उनका पिछवाड़े छोड़ा भोकी से पिछवाड़े उनका भोक दिया. उन्हें इस पुत ऐसे हृदय को पहुंचाया गया और हेन के गिरफ्तारी हो गया है. तो झूठे भैया जुआ खेलते खेलते बात बिगड़ जाता है और देखो इतना बात बिगड़ गया कि वो छोरी उनके पिछवाड़े घुसेर दी. समझे ना. एक 23 साल के आदमी जिसका नाम है रत्नी एम. रत्नी एम अपने माई के जितनी गहना मैया के सब गहना चोरी करके एक सोनार को जाकर के बेच दिया. एक सोनार को बेच दिया सब गहना. प्यारे लोग अब ये मैया को पता चला तो सिपाही के पास जाकर के नालिश की और बेटवा अब गिरफ्तार हुआ. अब गिरफ्तार हुआ यूनियर का नाम ही दिया 1815 में बेच करके और ये ड्रग्स खरीद लिया ड्रग्स. प्यारे लोग यूनियर साख के मालिक को गिरफ्तार किया गया ना? और वो तैयार है Hij is bereid de moeder van de verdachte het geld terug te betalen. Kyoki gahana to sab khatam ho gaya, gala karke wagaira wagaira. To dekh ab betwa jo gaja khinchte hai, drugs khinchte hai na, maiya ke sab sona le karke aur ja karke bech diya. Ek badi gajab ke baat suniye kaka. एक बड़ी गजब वाला बात हम ना समझ पाएगा कि इंसान का दिमाग जो है फरस्तान फरस्तान देखिए प्रभु ने हर एक मनुष्य को दिमाग दिया है लेकिन ढेर इंसान का दिमाग भरभस्त हो गया है. एक भैया के नाम है मुकेश एम. देखो ये तो मुकेश बड़का मुकेश गवैया मुकेश का नाम बदनाम करता है. ये मुकेश एम इसका नाम है. मुकेश ने जेल में था. अब सुनिए काका तो मोई से सुनिए बात का भैल
आउट बकेंद फ्रॉम द पुलिसी. सोमवार को इन्हें जेल से रिहाई किया गया है. मुकेश एम को सोमवार के जेल से रिहाई, मतलब कि जेल से इनको छोड़ दिया गया कि अच्छा तू जेल काट चुके हैं मुकेशवा, अब तू जा सकते हैं. मानदाह इन फ्रे है क्रिस्टल. प्यारे लोग, जब ये रिहाई होने हो गया तो ये अब पैदल जा रहा है घर को. ना से इन फ्रे है स्टेलिंग, ये चौथे 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 एक आदमी के ट्रेन पर चला गया. डाम है ऐसे, डाम पर चलते 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 अचानक एक ट्रेन पर, एक मैदान, एक अंगना में चला गया. जब अंगना में पहुंचा तो वहां एक मकान, तो मकान के पीछे के दरवाजा खोल करके और घर में घुस गया. और घर में से वापस जब बाहर आता है तो एक बोर मशीन लेकर के, अब बोर मशीन लेकर के अब ये पैदल चल के जा रहा है, शायद अपना घर जाता होगा. लेकिन कुछ लोग को पता चला कि मुकेश कोई बोर मशीन लेकर के जा रहा है, कहां पाए से. तो एखनार को पता चला कि ओकर बोर मशीन चोरी हो गया, अभी रहा अब ना है. तो तुरंत सिपाही को तार किया गया. सिपाही अभी मुकेश अपने घरे नहीं पहुंचा था, उन्हें सड़क पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया. जलदाख इस फरदाख्त वेर इन फरसी के क्रिस्टल फॉर डिफ्टाल. अभी छुटा एक घंटा के अंदर में मुकेश फिर चोरी किया एक बोर मशीन, और मुकेश के फिर गिरफ्तार हो चुका. उन्हें ले जा करके लंगा तभी किस रात में ये वहां बात हुआ, इनको ले जा करके फिर सिपाही बंद कर दिया है जेल में. तो देख के एक चोर अपना आदत न बदले बाप, एक चोर अपना आदत न बदले माने हैं, बहुत गड़बड़ है काका, बहुत गड़बड़, बहुत गड़बड़. देशवा ये लोग पता नहीं देशवा के साथ क्या कड्डल कर ले भाई. अब पता चला है कि दख देर मरोंस 10 अक्टूबर को बनाई जाएगी. 10 अक्टूबर को दख फंदर मरोंस एन शिनेज, 20 अक्टूबर को रहेगा शिनेज इमिग्रेशन. लेकिन दख देर मरोंस 3 अक्टूबर को, प्यारे प्यारे लोग, बड़ी गंभीर की समस्या है और ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगी. आप तो जाने थे प्यारे लोग, 10 अक्टूबर यह है बुध को, 3 अक्टूबर बुध को है, अब बड़ी हंगामा रहेगा काका. आज तो है 5 तारीख ना, आज 5 तारीख है ना, ठीक है, लेकिन हम लोग 10 अक्टूबर की बात करेगा. दख देर मरोंस तब तू देखिए नाच काका, तब तू नाच देखिए, वो नाच जो कितनी सालों से आप नहीं देखे हैं. ओकर मतलब है झुक के नाचना, खिसराई खिसराई के नाचना, पिछुआरे वाले नाच. तो हम बताई रहा तू देखिए, तक बताइए हमसे है? बहुत जबरदस्त तमाशा रहेगा. संडाम में तरह तरह के नाच है, जैसे कि स्टाम देर ओकानर्स है, स्टाम देर सरबकानर्स है, ये सब मारून वगैरह, ये सब भैया जब नाच करेगा तब तू चकल्लस देखिए काका. हम तो क्या बताएगा, ये 10 अक्टूबर की बात है. ओकरे बाद में चिनवा लोग के नाच देखिए 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को. जैसे ही बात रहा जो हम आपको बताना चाहते थे, यानी कि 10 अक्टूबर पार्लमेंटेन में अब त्रीजन फंक्यू त्री द्रुपन इन द पार्लमेंटेन क्यू त्री द मैनिफेस्टासी ऑफ ए क्लॉक हाउस प्लेन द मुंगो फीरिंग द रेफर साइड वाकरिंग इन हेरी एंड पोलो नेटी इन द कांग्रेस हॉल. जबरदस्त प्रोग्राम बप्पा, वो नाच हम बताएला. अरे दादा नाचम नाचत नाचत, तो देखिए तमाशा. तो जो तो 10 तारीख तो होता ही है, फिर 20 तारीख को चिनवा लोग को देखिए छम 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 वाला
बड़का बड़का झन जाने की बजेगा। तो ये सब आप लोग तनी तैयार रहियो काकी, अपना पोशाक पोशाक तैयार रखियो, ये 2 तारीख के लिए, 10 तारीख को भी जइयो और 20 तारीख को भी जइयो। हमारे सरनाम की जनता, हमारे सरनाम की जनता, प्यारे प्यारे लोग, अब जितना रखेरे इस फरकलारिंग की बात है, रखेरे इस फरकलारिंग की जितनी बात है, तो रखेरे इस फरकलारिंग में जितनी बात ने कहा है देश का प्रेसिडेंट, वो अगले साल 2019 में जाने जहां लगभग 15 मिलियन पैसा की बातचीत चल रहा है ना, तो वो समस्या को हल करेगा। ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा ना। इसलिए प्रेसिडेंट ने बार बार कहा, वी कैन डू द जॉब, वी कैन डू द जॉब, समझे ना काका, मतलब कि वो काम वो अब रखेरी करेगा। प्यारे लोग, खुशियारी की बात है, खुशियारी की बात है कि 2020 में देश के अंदर में चुनाव फिर से होने जा रहा है, और चुनाव के लिए सरकार क्या क्या करेगा ये बात अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी 1 साल रह गया है और हर एक बड़े बड़े लोग को मौका है देश के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए कुछ करने के लिए अभी समय है। मैं मुबारकबाद देने के जा रहा हूं रॉबर्ट राजेंद्र रामसुजीत को, रॉबर्ट राजेंद्र रामसुजीत को मैं मुबारकबाद देने जा रहा हूं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री हासिल की है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री हासिल की है। ये 20 साल की उम्र में बैचलर डिप्लोमा हासिल की है। प्यारे लोग, रामोन, रानू, रंजीव, रॉबी, रामसुजीत, समझे ना, इन्हें मुबारकबाद दिया है, आप भी इनको मुबारकबाद दे रहा है, और ऐसे भी श्री मथुरा जी को, श्रीमान मथुरा जो नया डायरेक्टर स्लम्स हॉस्पिटल को इंस्टॉल हुआ है, उन्हें मैं मुबारकबाद दे रहा हूं। श्रीमान दयाशंकर मथुरा इसका नाम है, मिनिस्टर एलियास फॉल्सोसोनेट का मिनिस्टर, उनके जरिए ये इंस्टॉल हुआ है एज न्यू डायरेक्टर स्लम्स हॉस्पिटल। ये कई मरतबा डायरेक्टर की कुर्सी हासिल कर सका है और किया है, पहले SATF का कुर्सी, SATF, फिर उसके बाद PCS, और अब नया डायरेक्टर स्वास्थ्य हॉस्पिटल का। हम लोग इस नया डायरेक्टर को अभी से मुबारकबाद दे रहा हूं। जैसे हंकर स्टिम्युलेट सीनियर एंड वर्कर्स, यह है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन गेस्ट हाउस ला रेसोर्स एंड वी केयर, जिसमें सूरीनाम के औरतें हैं जिनको कुछ तजर्बा है, एरफारिंग ऑफ इट खबीत फान औदरन जोरख एंड डमेंसी, वो लोग ने एक औदर दाख ऑर्गेनाइजेशन किया इंसामन वर्किंग में डिस्ट्रिक्स कमिश्नर याद सर्ट ओस वानी का डिस्ट्रिक्स कमिश्नर औद्री हंकर्स, इनों को इज्जत अफजाई की है क्योंकि वो दिन भी तरह तरह के कार्रवाइयां था एक्टिविटीज वार अंदर हंडन अरबेज, ये सब इन औरतों ने की।
Lelydorp में भी एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन फॉर सीनियर वर्कर्स एंड सीनियर क्लब जो हर एक सोमवार को 10 से लेकर के 12 बजे खुला रहता है। ये भी सीनियर वर्कर्स ये हमेशा आते रहते हैं इस क्लब में। ये बात हम लोग को बताई है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स ऑड्री हंकर्स। आगे चल करके ऑड्री ने यह बात भी कही है द एक्टिविटेट जैन ऑन द फायर लॉबी लान इन हेट एस जी एल गबाओ। तो यह खुशी की बात है कि औरतों को जमा करने के बाद इन सबको सिखाई जाती है कि इनको जिंदगी बसर करने के लिए इनको क्या करना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद दी से ऑड्री हंकर्स। ए काका ऐसन ऐसन तमाशा देखिए अखबार में सब बात है लेकिन हम क्या बताएं आप लोग को बहुत तरह तरह के बात है भैया समझे ना। जो जो आप इतना इतना समस्या है हम लोग के देश में और बार बार हम लोग वही सब बात पढ़ी ला ना। लेकिन सरकार ने बात की आठन प्रोजेक्ट ऑटोस इन सेप्टेम्बर ओवर द कॉप पुलिसी कर पुलिसी सूरीनाम बोले 28 गाड़ी सेप्टेम्बर में उलट गया जो गलत चलाए हैं या वगैरह वगैरह। तो आप लोग तनी होशियार रही हो अब तरेफा द मोडन कल आग लगा भैया ढेर बस्ता पिसान जल करके राख हो गया है। एक टेंटी के नीचे था ये सब जर गया है पता नहीं कोई आग लगा दिया है कैसे लेकिन पिसान कितनी बस्ता पिसान वो जल करके राख हो गया है। हमारे प्यारे प्यारे लोग फैजल बेई जेल तोड़ करके भगा फिर कुछ गुनाह किया फिर गिरफ्तार हुआ है। ऑस्कर कॉलन उनके लिए वकील खड़ा है। फैजल बेई जो नाजेन ऑन फ्लिफ्टिंग एट एन सेलन हाउस एन अंडर स्ट्रफबार फेट हैव अ कंप्लीट 18 अक्टूबर को ये मुकदमा फिर जज के सामने आएगा। और ऐसे ऐसे अभी तक ये मुकदमा जो KFC जहां पर मुकदमा में एक मैनेजर का मृत्यु हुई मेजरी विलियम्स सेफ यूनिट 2017 ये मुकदमा अभी खत्म हुआ नहीं। इस मुकदमा में शवीला एर एंड शकील भी गिरफ्तार हुआ है। 18 अक्टूबर ये मुकदमा में फिर से गुफ्तगू जज के सामने होगा। हमारे प्यारे प्यारे लोग हमारी जनता हम तो के का बताएगा भैया देश के तमाम जनता डिजिटल बैग पंप कमाल मोई मोई कोरोनी में जहां पर पंप कमाल है मोई इलाका कोरोनी एर एस एन जीरो टैंक मई खनोमन एंड एन हेस एंड एन बेस वन हेड टॉयलेट। प्यारे लोग यह चोरी हुआ है अब सिपाही इसके बारे में तलाश करेगा। अच्छा ओम एन जीरो टैंक फॉर फेफ और लीटर कोई उठा ले गया है। एनहेम से दौरप माहो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लक्ष्मी नारायण दुबे को न्योता था मंगल के शाम को गए थे वहां देखने के लिए क्योंकि न्योता दिया है इनकी परिवार लोग एनहेम से दौरप तो ये गई से वहां देखी से कैसे लोग खेती बाड़ी करते हैं और उन लोगों के शिकायतें जो है जो मांग जो है वो सामने रखा और कमिश्नर सब नोटिस करके वहां से आया है। फिर भी दुबे बहुत खुशी है कि वहां पर लोग अपना पेट पालने के लिए कारोबार करते हैं खेती के कारोबार करते हैं ना उनके अच्छा लगा और ऐसा ही हर एक को करना चाहिए। जो कमिश्नर्स दुबे ये शर्मक्का इन्हीं से दौरप माह हो वहां के लोगों को निमंत्रण पर ये गया है और देखिए इसके बड़ी जोर तोर से वहां काम हो रहा है तो अच्छा बात है भैया ना। इंटरनेशनल डाक फंड लेरार 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल डाक फंड लेरार मनाई जाती है।
1993 में यूनेस्को ये नाम और ये तारीख को मुकर्रर की है। लेरार लोग को चाहिए इज्जत देने के लिए, उन पर पैसा खर्चा किया जाते हैं ताकि वो उनके पास जब डिप्लोमा हो जाते हैं लेरार, तो वो बच्चों को तालीम इनको देना चाहिए। Dadakis bedoelt als eerbetoon aan personen die de volgende generatie klaarstomen om de samenleving te dienen. Leraarlo ko tayar kiya jate hain, leerlingen ko sabak dene ke liye, padhane ke liye, yani onderwijzer ki baat hai, basisonderwijs, wagaira wagaira. Leraarlo ke upar paisa kharcha kiya jate hain, bachcho ko padhane ke liye. नतीजा करके असेंबली में बैठे के वहां पर एक कानून होना चाहिए, सरकार को कानून होना चाहिए कि असेंबली में कौन लोग को बैठना चाहिए, कम से कम निपुण होना चाहिए। अगर खड़ी लेरार लोग को, लेरार कहा बोलते हैं मिसल लोग को, ये फ्रॉ लोग को असेंबली में आप भेज दियो तो बहुत गड़बड़ बप्पा, बहुत गड़बड़। आप लोग तनी होशियार रही हो, जहां पर इंसान को कानून बनाना चाहिए उनको यूनिवर्सिटी का दिमाग होना चाहिए। अब हम आप वहां पर ये फ्रॉड के काम करीला, एन प्लस एन एस फीर की, एन प्लस एन एस ट्वे की, का कैसे कैसे हम लड़कन को पढ़ाएगा, तो हम जा आप असेंबली में व्रत बनावे, कौन व्रत बनावे हुआ हम जा करके। इसलिए इंटरनेशनल पैनल ईरान बनल है कि लेरा लोग को क्लास में खड़ा होना चाहिए लड़कन को सबक देने के लिए। अच्छा से रहियो, प्रेम से रहियो, और देश में मुंह लटका लटका करके यहां वहां मत बैठो, कुछ करना तो ठीक से करो, और तुम्हारा दिमाग जो है उसको दौड़ाने की कोशिश करो, और हंसी खुशी से जिंदगी बसर करो, और यानी कि मुंह बुद्ध बन करके मायूस होकर के कोई का जिंदगी आज तक हुआ नहीं। इतना बात याद रखियो, आज का सलाम लो।